और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजद के पांचों विधान परिषद सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। माना जा रहा है कि इसी के साथ विधान परिषद में राबड़ी देवी से नेता विपक्ष का पद भी छिन जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी में एक बड़ी टूट हुई है। आज 5 एमएलसी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार विधान परिषद में, हमारे साथ मौजूद हैं सभापति सर। ये बताइए कि उन लोगों ने लेटर दे दिया आपको एमएलसी 5 कि हम लोग आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं? ये पांचों आदमी सामूहिक रूप से एक साथ अपना इस्तीफा दिया और दस्तखत करके दिया और हमने पूछा, हम सेटिस्फाइड हो गए। उनके सिग्नेचर को मिलाया गया भी, जो कि शपथ ग्रहण के टाइम में लिया जाता है, सिग्नेचर को मिला के पूरा आश्वस्त हो करके तब हमने उन लोगों से पूछा भी, तो सब लोग अपनी इच्छा जाहिर किए, आश्वस्त हो करके तब हमने उनको अपना किया। जदयू का इसके बाद चिट्ठी आया उनके सचेतक का, हमारे यहाँ विधान परिषद में जो जदयू के सचेतक हैं, तो रीना देवी का चिट्ठी आया कि इनको मान्यता देने के लिए विधायक दल के नेता ने इसको स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए तब हमने वो चिट्ठी देख करके उनका दस्तखत वेरीफाई करके तब हमने मान्यता दे दी। सर, अभी तक आरजेडी के 8 एमएलसी थे, तो 5 ने इस्तीफा दे दिया, तो इनकी मान्यता तो अभी नहीं जाएगी? नहीं, अब तो 5 हैं, तो 2/3 जो इसका रिक्विजिट नंबर है वो पूरा हो रहा है, इसलिए इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये लोग आज से जनता दल यूनाइटेड के विधिवत सदस्य हो गए, यानी अब ये जनता दल जदयू के साथ बैठेंगे, जदयू के साथ बैठेंगे अपने में। तो हमारे साथ थे बिहार विधानसभा के परिषद के सभापति, इनका कहना है कि आरजेडी के जो 5 एमएलसी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब वो जदयू के एमएलसी बनाए गए हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।